गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाएं जल्दी से। आपकी एक और नई क्लास शुरू हो चुकी है एक नई उम्मीद के साथ। बस रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, अगर आप चलते रहेंगे तो ज़रूर होगा, सब कुछ होगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। जीरो लेवल मैथ पार्ट 34, यानी कि 34 नंबर भाग होगा ये। अगर देखें तो क्लास 8 की मैथ है, लेकिन कहते हैं ना, मजबूत अगर नींव होती है तो मकान की मियाद बढ़ जाती है। मियाद का तात्पर्य होता है उसकी आयु बढ़ जाती है। तो हम नींव मजबूत करते हैं, उसके बाद आप कहीं भी पढ़ सकते हो। चलिए देखिए, आप देखे होंगे कॉम्पिटिशन में रीजनिंग के सवाल ऐसे आते हैं, है ना, रीजनिंग के सवाल ऐसे आते हैं, और मैथ में भी ऐसे होते हैं। इसमें रीजनिंग मानिए छिपी हुई है 75%। कैसे? इस पे क्या भरेंगे, इस पे खाली जगह पे? तो दोनों जगह पर अगर भरना होगा तब तो ना हो पाएगा। इसका आंसर यहाँ 186 दिया, ये जोड़ा गया है। अब क्या भरेंगे ये सोचना है, थिंकिंग वाला सवाल है। ध्यान से देखना, पूरा देखना। मैथ नहीं आती टेंशन मत लेना, हम सिखाएंगे, गारंटी है, पूरा देखना। चलिए क्या होगा देखते हैं। अब आप सोचिए, अगर इसको जोड़ना होता, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 3 में 2 5 7 2 1, इसको ऐड करना है, 1 3 2, इसको ऐड करना है, तो आप इसको ऐड कर लोगे, है ना। जैसे कहते हैं 7 5 12 1 13 3 हासिल आया कितना, 1। आप जानते हो इसको, मतलब यहाँ जो 3 आया ये आपको पता हो गया कैसे आया, पता हो गया ना, यानी 7 5 12 1 13 का 3 ये मालूम है। वैसे यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो 6 ऑलरेडी दिया है, 6 कैसे आया होगा, इसी तरह का जोड़ा गया होगा तो 6 आया होगा। लेकिन आप सोचिए, 8 में 5 ऐड किया, 13 हो गया, 13 हो गया। लेकिन 13 अगर हुआ तो यहाँ पर 3 लिखा जाता, बट 6 लिखा गया। क्यों क्यों 6 लिखा गया? क्योंकि जो 3 कम हो रहा है भाई, देखो 1 3 13, ये इस मोड़ पे अगर आता, इसको दोनों ऐड करेंगे तो यही आएगा ना, इसके हिसाब से यहाँ 3 होना चाहिए, लेकिन 3 ना होकर 6 है। तो 6 कब आएगा? देखो अगला 14 होगा, फिर 15 होगा, फिर 16 होगा। इसका मतलब हो ना हो, जोड़ने के बाद यहाँ पर 16 आया रहा होगा। क्यों आएगा 16? जो 13 आया था उसमें 3 जोड़ा था, और 3 कहाँ मिला था, 3 इस पे रहा होगा। अब देखो सही बैठता है। चलिए 8 5 13 3 16 का 6 हासिल आया, 1 जो हासिल 1 आया उसको यहाँ लिख लो चुपके से, इसको इसमें जोड़ देना, पहले 1 आया ना, चलिए ठीक है। इस हासिल 1 को इसमें जोड़ा, ये हो गया 2 1 3, 3 में 9 जोड़ा कितना हो गया, 12, कितना हो गया 12, 12 हुआ ना। फिर अब देखो, अगर 12 हुआ तो यहाँ पर 1 2 होना चाहिए था, लेकिन 1 2 तो है नहीं, यहाँ पर 1 8 है, 1 8 कब आया होगा भाई, कब आएगा 12 की जगह पे 18, जब इसमें 6 8 हुआ होगा ना, आखिर हमें 18 लाना है, तो क्या करें कि 18 हो जाए, 12 में कितना ऐड करें कि 18 हो जाए, 6 ऐड करेंगे और वो 6 यहाँ रहा होगा। बात समझ में आई? अब जोड़ लो, 8 5 13 3 16 का 6 हासिल 1, 2 6 8 9 17 1 18 सही है। कुछ लोगों के दिल में एक कोलाहल मच रही होगी कि का 16 के अंत में 6 आता है, 26 में भी 6 आता है, 36 में भी 6 आता है, 46 में भी 6 आता है, तो ये कोई और भी तो रहा होगा, है ना, ये क्वेश्चन उठ सकता है ना, तो मैं उसको भी बता दूँ। देखिए ये बताइए, पहले क्या आता है, आप गिनती शुरू करते हो तो पहले 15 आता है, 16 आता है, पहले 26 आता है, पहले 16 आता है ना, 16 आता है ना, तो हम करने को कर सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं कि 26 रहा होगा, लेकिन हम पहले मिनिमम देखेंगे, आगे जो मिलेगा उसी को देखेंगे ना, बात समझ में आई ना। तो इस तरह से आंसर सही है, ठीक। अगर यहाँ आप 2 समझ के करोगे तो वैसे भी कर सकते हो फिलहाल, लेकिन फिर वो हमारे समझ से गलत है, क्योंकि आप पहला छोड़ क्यों दे रहे हो भाई, 16 तो पहले आता है ना, क्यों उसको छोड़ रहे हो। तो ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, बहुत ध्यान से देखना, तीसरा आपको खुद करना होगा, उसको मैं नहीं करवाने वाला हूँ, इसलिए समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। देखिए ये क्या है, अब यहाँ पर 0 लिखा गया है, क्या है ये, 0 है, ये भी क्या है, 0 है, ज़रा ध्यान से समझना मित्रों। 5 में 2 ऐड करोगे 7 आएगा ना, क्या आएगा, 7। अब बताओ 7 आएगा तो यहाँ 0 तो होता नहीं, 0 कब होगा, आप जानते हो इसके बाद 8 आता है, 9 आता है, फिर 10 आता है, 10 में कहीं 0 होता है, होता है ना। इसका मतलब हो ना हो, इन सब को जोड़ने के बाद जो यहाँ गिनती रही होगी उसको जोड़ने के बाद 10 आया रहा होगा,
बात समझ रहे हो ना, क्या आया रहा होगा, 10 आया रहा होगा। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कैसे 10 आएगा, 5 2 7, 7 में कितना जोड़े 10 हो जाए, 3 जोड़ेंगे ना भाई, 7 में 3 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 3। अभी दूसरा तरीका भी बताएंगे, क्लास को पूरा देखना, भागना मत। तो ये 3 5 8 2 10 का शून्य हासिल कितना आ गया, 1। अब जो 1 हासिल आया इसके ऊपर लिख लीजिए, ठीक, बात समझने की कोशिश करना। अब क्या होगा, 1 और ये 8 9, 8 1 9, और 9 1 क्या हो गया, 10, क्या हो गया, 10, और 10 ये 0 है, इसको भी ऐड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 10 का 0 हो गया, फिर 1 कैरी आया, इसको 1 यहाँ लिख दो। अब ध्यान देना क्या होने वाला है, 8 1 9 और 9 18, यहाँ पर 18 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर 18 की जगह पर 24 है। अब ये बताओ 18 में कितना ऐड करें कि 24 हो जाए, ये तो छोटी छोटी बातें आप सोच लोगे, नहीं तो हम दूसरा मेथड बताते, बताओ जल्दी से 18 में कितना ऐड करें कि 24 हो जाए। आप जानते हो 6 ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ 6 रहा होगा, बात समझ गए ना। अब जोड़ लीजिए, ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाले सवाल हैं जिसमें आप माइंड का यूज करते हो। जैसे देखा है ना वो गांव में एक खुरपा हंसिया फावड़ा जिससे काटते हैं मिट्टी वगैरह, जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं उतना चमकता है, तो बस वैसे अगर दिमाग को आप प्रयोग करोगे ना तो चमकेगा, नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा, मूर्छा जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया, तीसरा आपको होमवर्क करना है, इसको कमेंट करना लगा करके, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जितना भी आएगा कमेंट करके बताना। उसके बाद चलिए हम इसमें आगे आपको दिखाते हैं, बहुत कुछ है इसमें आपको सीखना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगली 0 लेवल की क्लास जो है वो PVR स्टडी ग्रुप चैनल पे होगी। कहाँ पर होगी, PVR स्टडी ग्रुप पर। कई दिन से हम बता रहे हैं, तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, अब आप इस चैनल से जल्दी जुड़ जाएँ और इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। देखिए इसमें कुछ और भी होमवर्क हम आपके लिए लिखे हैं, इसको आप नोट करिए जल्दी से, उसके बाद बताते हैं, क्योंकि इसमें अलग तरह के सवाल हैं कुछ, है ना। अभी हमने आपको जोड़ने वाला बता दिया, आप घटाने वाला कैसे करोगे, उसी तरह का अगर कोशिश करोगे तो आ जाएगा। और गुणा वाला तो अभी हमने बताया नहीं, कमेंट करके बताइएगा तो बताएंगे, ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कौन कौन जानना चाहता है, क्योंकि मल्टीपल वाला अगर आप लोग पूछेंगे तो ज़रूर बताया जाएगा, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ये टॉपिक हमने आपके लिए फंसाया है, आप कोशिश करिएगा कमेंट करके आंसर बताइएगा सभी का, DEF, ठीक है। इसमें क्या भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे, देखते हैं कितने लोग का सही होता है, और अगली क्लास में हम इसको बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, आप कोशिश करिएगा। हाँ, घटाने वाले के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, कैसे करेंगे। देखिए 7 में से कुछ घटाना है और 8 आना है, अब बताइए 7 में से क्या घटेगा कि 8 आएगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, है ना। आप जानते हो उधार वाला घटाना, जानते हो ना, जो उधार लेते थे ऐसे इसमें से उसमें, है ना, होता था ना, इसका मतलब जरूर इसमें से कोई नंबर कैरी लिया गया, उधार लिया गया, और ये 17 बना है, और 17 में से क्या घटाएं कि 8 आ जाए, आप जानते हो 9 ना, है ना, 9 हो सकता है कि नहीं। अच्छा देखते हैं हो सकता है कि नहीं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता, ये 9 हो जाए तो 17 में से ये जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 8, ठीक है, ये बचेगा 7, 7 से 2 हो गया 5, बिल्कुल सही बैठ रहा है, बैठ रहा है ना, मतलब क्या होगा, यहाँ 9 होगा, बात समझ गए ना। इस तरह का आप घटाने वाला भी सभी को कर लेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, इसको हम किसी और दिन पूरा करवाएंगे अच्छे से, बात समझ में आई ना। देखते हैं कितने लोग इसको लाइक करते हैं और दोस्तों में शेयर करते हैं, जैसा रिस्पांस रहेगा वैसा हम करेंगे। और हाँ, ऊपर नंबर दिया गया उस पर आप संपर्क करिएगा, ठीक ना, बात समझ रहे हो। तो फिर और अगर किसी का कोई सवाल है तो बताइए, इसको नोट कर लीजिए, इतना हो गया ना, और कुछ देते हैं अभी, उसको भी लिखिए साथियों। इसके बाद कुछ होमवर्क आपको और दे दिए गए हैं, ध्यान से देखना और पूरा नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, बहुत फास्ट करिए। ये पार्ट 34 आप देख रहे हैं, पार्ट 35, 36, 37, 38, 3-4 पार्ट आपके लगातार अगले जो आएंगे वो PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, घंटी की बटन। और ये होमवर्क देखो जल्दी से, ध्यान से मैं समझा देता हूँ, इसको तो ऐसे ही करना है दोनों को। तीसरा में लफड़ा है एक, वो क्या है, इसमें सब कुछ लिखा गया लेकिन इसमें 3 की जगह पर कुछ बदलना है, 3 की जगह पर क्या रखें, कौन सा अंक रखें कि ये सवाल सही हो जाए, क्योंकि ये गलत लगाया गया है, बताइएगा दिमाग लगा के, ठीक ना। और हाँ, अगर आप VIP सुविधा चाहते हैं, मतलब आपको WhatsApp पर
सारी क्लास मिल जाए, यूट्यूब पर खोजना ना पड़े, कहीं कुछ ना करना पड़े, तो आप घर बैठे आराम से डिजिटल इंडिया का फ़ायदा उठाएं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर ज्वाइन JLM लिख करके भेजना होगा, ज्वाइन JLM, और इसके लिए आपको 549 रुपया का सिर्फ एक बार पेमेंट करना होगा, ओनली वन टाइम 5549 का पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट आप इस नंबर पर फ़ोन पे या गूगल पे से कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज करेंगे तो आपको बैंक का अकाउंट भी मिल जाएगा। किसी भी तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, साइबर कैफे से, बैंक से, मनी ट्रांसफ़र केंद्र, CSC कस्टमर सर्विस सेंटर, कहीं से भी, ठीक ना। अगर नहीं करना है फ्री का देखिए, बिल्कुल फ्री की क्लास को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन रखें और हमारे सभी चैनल से जुड़े रहें, फ्री वाली क्लास देखते रहें। और इतना ही नहीं, PVR स्टडी की पेड वाली क्लास का 80% भाग आप फेसबुक से पा सकते हैं। उसके लिए PVR स्टडी को फेसबुक पर अवश्य फॉलो करिएगा, फेसबुक पर जा करके सर्च करना होगा PVR स्टडी, ठीक है ना। और जो पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा, आप वहां से फ्री की क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अगली क्लास आपकी होगी 6 बजे से, है ना, 6 बजे से अगली क्लास जरूर देखिएगा, DLED पर, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित। और याद रखिएगा, उसके बाद जो अगली क्लास होगी 6:30 बजे से, वो PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर होगी। मैं कई दिन से तैयारियां में हूँ, बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब लोग जुड़ जाएं, तब हम उस पर चलें, जिससे कि किसी की क्लास ना छूटे, ठीक ना, किसी का नुकसान ना हो। तो साथियों बस इतना ही, शुक्रिया, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके अपने विचार बताइए। थैंक यू।